So welcome back guys to Resilience Academy, and this is my dear, we are going to start a new subject now. It is material science. Production का एक part कहलाता है my dear ये, और material science basically आप जानते हैं जितने भी mechanical engineering के student होते हैं वो सबसे खराब, सबसे boring, सबसे वाहियात subject अगर कोई लगता है तो material science है my dear. But मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जितना आपको खराब लगता है उतना ही प्यारा subject है, बल्कि मैं आपसे बोलूंगा कि पूरी mechanical engineering में material science is the most wonderful subject. क्योंकि माय डियर ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है तो क्यों है, या आपको बताता है कि अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो क्यों है, या आपको बताता है माय डियर मटेरियल्स के नेचर के बारे में. और मैं आपको बता दूं कि माय डियर मटेरियल साइंस को पढ़ना कहीं ना कहीं खुद को पढ़ने जैसा है, क्योंकि वी ऑल आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स. कैसे माय डियर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है आप में आयरन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है. क्यों कमी है? क्योंकि इन्हीं सब चीजों से तो मिलकर बने, डेफिशिएंसी तभी तो हुई, किसी चीज थी तभी तो डेफिशिएंसी है उसकी. तो गाइस, इट मींस वी आर मेड अप ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, जैसे हम हमारे पेरेंट्स की बदौलत है तो जो हमारे पेरेंट्स के गुण होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं ऑटोमेटिकली, इनहेरिट. हम बोलते हैं कि भाई पूरी फैमिली को है तो हमें भी है, तो पेरेंट्स के गुण जैसे हमारे अंदर आते हैं बिल्कुल वैसे, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से नहीं है. एट द सेम टाइम गाइस, मटेरियल्स की वजह से हम हैं, हमारी वजह से मटेरियल्स नहीं है. तो क्योंकि हमारी बॉडीज मटेरियल से बनी हुई है गाइस, तो ऑब्वियसली इनका नेचर वैसा ही है जैसे मटेरियल्स का नेचर है. बिल्कुल गाइस वैसा ही है. गाइस, हर मटेरियल का नेचर होता है रेजिस्ट करना, चीजों को रेजिस्ट करना, जब भी लोड लगे रेजिस्टेंस देना. तो माय डियर, वो नेचर हमारे अंदर भी होता है. एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं सिखाया गया, उसको जाके छेड़ो वो हिट करेगा आपको, रेजिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि मटेरियल का नेचर उसके अंदर है. उसको सिखा रहे उसके पेरेंट ने कि अंकल आए तो इनको मार रहा है, भैया आए तो इनको मारो, नहीं, बट ही विल रेजिस्ट. व्हाई? बिकॉज इनहेरेंट है गाइस, मटेरियल्स की वजह से. इसलिए तो गांधी जी को सिखाना पड़ा था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो, क्योंकि ये मटेरियल्स का नेचर नहीं है, तो ये हमारे अंदर इनहेरेंट नहीं है. तो ऐसी चीजें जो मटेरियल का नेचर नहीं है वो हमें सिखानी पड़ती, जो है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाती है. सो गाइस, सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डील विद. कुछ लोग बोलते हैं कि वेटेज तो है नहीं, काय पढ़ रहे हो मटेरियल साइंस. तो मैं आपको बता दूं माय डियर, नो डाउट द वेटेज इन गेट फॉर मटेरियल साइंस इज लेस 0 to 1 मार्क. बट गाइस, ऐसा हुआ है बहुत बार मटेरियल साइंस 4-4 नंबर की भी आई है पिछले से पिछले साल ही, आप देख सकते हो. और जब 4-4 नंबर की आती है तो होश उड़ा के रख देती है माय डियर. और दूसरी बात, अगर मान लो चलो एक बार गेट को मैं भूल भी जाऊं, अगर आप कोई आईआईटी से एमटेक करने का सोच रहे हो, अगर आप पीएसयू जाने का सोच रहे हो, अगर आप इसरो डीआरडीओ ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हो तो बिना इंटरव्यू के काम नहीं चलता. और इंटरव्यूज में मटीरियल साइंस पूछी ना जाए ऐसा हो नहीं सकता. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइस, इसीलिए इस सब्जेक्ट को आप लाइटली नहीं ले सकते. और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप पढ़ने के बाद मटेरियल साइंस आपको आसान लगने लगेगा, बल्कि प्यार हो जाएगा आपको मटेरियल साइंस से गाइस. ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. ओके, तो ये जस्ट एक डेमो लेक्चर है. इसमें तो हम सिर्फ बेसिक चीजें ही देख रहे हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं. यस, डेमो आई एम सेइंग, बट इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस. ऑब्वियसली यस, इन द सीरीज इट विल बी द फर्स्ट लेक्चर. तो ये से हम स्टार्ट करेंगे. तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि मटेरियल साइंस हम कैसे पढ़ने वाले हैं. इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल सब्जेक्ट माय डियर. मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें क्या क्या कंटेंट, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितना मटेरियल साइंस कवर होगा. इट विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ टेक्निकल मटेरियल साइंस एज पर द सिलेबस ऑफ गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज. मैं पहले क्लियर कर दूं, ये पेपर वन का मटेरियल साइंस इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि पेपर वन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों का मटेरियल साइंस भी आता है, तो उसके जो सेक्शन होंगे वो अलग से होंगे. दिस इज ओनली कवरिंग द टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस मटेरियल साइंस. ओके, यू कैन फील द इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस, द सब्जेक्ट नेम इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स रादर देन मटेरियल साइंस. ओके, in gate also they have written in that way. So guys, hum start karne ja rahe is wonderful subject ko. Isko start karne se pehle main aapko ye bata dun ki hamari kya expectation hoti hai ek component se. Guys, to hamari expectation hoti hai kisi bhi component se ki wo component hame de excellent functional performance. ये हमारी इच्छा होती है, मतलब कोई कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे से अपने फंक्शन पूरे कर रहा है, लाइफ उसकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी एक्सीलेंट फंक्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है. माय डियर, ये फंक्शनल परफॉर्मेंस डिपेंड करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर. भाई अच्छी प्रॉपर्टीज होगी तभी तो फंक्शन पूरे निभा पाएगा. टफनेस ही नहीं होगी तो शॉक कैसे बियर करेगा, डक्टिलिटी ही नहीं होगी तो डिफॉर्मेशन कैसे हैंडल करेगा. एंड माय डियर, जो प्रॉपर्टीज है कहीं ना कहीं डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर. प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर माय डियर. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर माय डियर, स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर
structure also depend, my dear, on manufacturing process, on effect of alloying element, as well as it will be depending upon the heat treatment. So guys, आपको ये बता दूं कि ये वो है जो हम चाहते हैं, और जो हमारी चाहत है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं इन सब पे. अब गाइस पहले हम शुरुआत करेंगे इससे, इसके बाद इस पे बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पहुंचेंगे. तो सबसे पहला जो डिस्कशन हम यहाँ करने वाले वो प्रॉपर्टी के बारे में. गाइस प्रॉपर्टी क्या होती है अगर हम इसकी बात करें, खास करके हमारा डिस्कशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है. तो प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव इंडाइसेस गिवन टू द बिहेवियर ऑफ मटीरियल. व्हेनेवर it is subjected to some external stimuli मतलब क्या इस बात का? क्वांटिटेटिव इंडाइस मतलब एक नंबर जो कि दिया जाता है मटेरियल के बिहेवियर को जब ये सब्जेक्ट होता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब एक्सटर्नल लोडिंग कंडीशन. माइडियर जब तक लोडिंग नहीं आती तब तक हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते. तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर? तो माइडियर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम बात कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव इंडाइसेस गिवन टू द बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं माइडियर, तो मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स कई बार हमारी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसको गुस्सा बहुत आता है, कि बहुत काम रहता है, डिपेंड्स कि हम कैसे हैं. तुमको कैसे पता लगा आपको गुस्सा बहुत आता है? माइडियर क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार आपकी जिंदगी में कुछ कंडीशंस आई, उनमें आपका बिहेवियर देखा, उस बिहेवियर के बिहार पर उन्होंने बोला इसको गुस्सा बहुत आता है. ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली लेके बैठे थे उसमें से पढ़ के बता रहे थे, नहीं. तो माइडियर दिस इज हाउ द थिंग्स आर चेक्ड. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब तक लोडिंग नहीं आएगी ना तब तक बिहेवियर का पता नहीं लगता. अब कोई कंडीशन ही नहीं है तो गुस्सा क्यों आएगा? तो गाइस कंडीशन आने पे तो पता लगता है. टेंशन टेस्ट देखो, लोडिंग देते हैं 19 इलास्टिक प्रॉपर्टी पता लगती है, तो लोडिंग देने में पता लगती है ना. जब तक लोड नहीं करोगे माय डियर प्रॉपर्टी का पता नहीं लगेगा. तो क्वांटिटेटिव इंडाइस मतलब एक नंबर जो कि हम मटेरियल के बिहेवियर को देते हैं जब वो किसी लोडिंग से सब्जेक्टेड होता है. दिस इज समथिंग नोन एज माय डियर प्रॉपर्टी. अब अगर हम बात कर रहे हैं माय डियर प्रॉपर्टीज के बाद स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास बेसिकली तीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स. सो गाइस वी आर हैविंग बेसिकली थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर माय डियर इज नोन एज मैक्रो स्ट्रक्चर. First level of structure is known as macro structure. अब आप सोच रहे हो कि सर ये macro structure क्या होता है और क्या बताता है? तो मैं आपको बता दूं, my dear, macro structure की अगर बात करें, तो ये basically कुछ geometrical surface properties के बारे में बात करता है. तो macro structure is related to the geometry or the surface properties of the body. और macro structure ऐसे structure को बोलते हैं, my dear, जब हम देख रहे होते हैं किसी भी object को, किसी भी object के surface को, guys. जब हम देख रहे होते हैं या तो आइदर फ्रॉम द नेक्ड आईज, व्हेन इट इज आइदर या तो देखा जाता है नेक्ड आईज मतलब नंगी आंखों से, अदरवाइज माय डियर हम देख रहे होंगे माइक्रोस्कोप से, बट लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन जो होगा इट इज गोइंग टू बी लेस देन 100 टाइम्स. ओके, तो मैक्रो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें माय डियर, तो मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज, व्हिच कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अंडर अ मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ लेस देन 100 टाइम्स. So these are the structures which can be seen by naked eyes or microscope. But while using microscope, the magnification level should be less than 100 times. So gun se kam magnification level mein dekh rahe ho. बेसिकली मैक्रो स्ट्रक्चर हमें ज्योमेट्रिकल और सरफेस, ज्योमेट्री और सरफेस प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है. आप सोच रहे होंगे सर ज्योमेट्री और सरफेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा एक सरफेस, और आपने जैसे एक सरफेस देखा आपको उस सरफेस को देख के ऐसा अंदाजा लगा कि सरफेस को देखा आपने देखा अरे ये तो नोच है. तो माइडियर आपको पता है नोच डक्टिलिटी को रिड्यूस करती है, तो आप इसको देखते ही बता पाए कि भैया इसकी डक्टिलिटी पुअर होगी. तो गाइस आपने जैसे इसको देखा आपने बोला कि इसकी डक्टिलिटी क्या होगी? पुअर.
माइडियर इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये तो थी नोज के कारण इसकी डक्टिलिटी पोर है, आपने कोई दूसरा देखा, आपने दूसरा दंतदंत देखा उसके अंदर आपने देखा कि शार्प कॉर्नर थे और इन शार्प कॉर्नर को देखते ही आपको समझ में आया अरे इसकी तो फटीक स्ट्रेंथ पोर है, इसकी तो फटीक स्ट्रेंथ पोर है। और अगर यहीं पे कोई फिलेट रेडियस हो जाता, यहीं पे कोई फिलेट रेडियस हो जाता तो आप बोलते कि भैया फटीक स्ट्रेंथ है, एक्सीलेंट है। अब गाइस जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है मशीन डिजाइन वो तो जानते हैं फटीक स्ट्रेंथ क्या होती है, वो जानते हैं कि ऐसा करने से फटीक स्ट्रेंथ क्यों अच्छी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन लाइंस कम हो जाएंगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी एमडी गाइस वो जब एमडी पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और नोच ये भी एमडी से पता लगता है कि नोच होना मतलब डक्टिलिटी कम होना। सो गाइस दिस इज हाउ द मैक्रो स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प। तो मैक्रो स्ट्रक्चर देखने का भी फायदा है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है। मार्केट दूसरी बात जब हम कर रहे हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर की कर रहे हैं, जो दूसरी बात माइक्रो स्ट्रक्चर की कर रहे हैं माय डियर, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर्स उनको बोलते हैं व्हिच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, दिस इज माइक्रोस्कोप अंडर मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ मोर देन 100 टाइम्स। सो गाइस यहां पर मोर देन 100 एक्स मींस 100 टाइम्स, तो 100 गुना से ज्यादा मैग्निफिकेशन करके माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर को माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर देख के हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रेन, हमें मिलती है ग्रेन बाउंड्रीज, माइडियर हमें मिलती है फेस, हमें मिलती है फेस बाउंड्रीज, हमें मिलती है ग्रेन ओरिएंटेशन। आप सोच रहे होंगे सर ये सब चीजें होती क्या है, तो गाइस हमें जो चैप्टर शुरू करना है वो शुरू करना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। उसके बाद अगले चैप्टर में जब मैं डिफेक्ट पे आऊंगा तब हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ग्रेन भी बताऊंगा, ग्रेन बाउंड्री भी बताऊंगा, फेस भी बताऊंगा, फेस बाउंड्री भी बताऊंगा और ग्रेन ओरिएंटेशन भी बताऊंगा। पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे प्रोडक्शन के लेक्चर देख रहा है तो वो कास्टिंग से ऑलरेडी जानता होगा ये सारी बातें कि कास्टिंग मैंने बताया था, पर फिर भी अब बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा आइडिया देना तो बनता है, तो इनके बारे में बात नहीं कर रहा चलो, पर मैं फेस के बारे में बात जरूर कर देता हूं। फेस क्या होती है, माय डियर आपने कभी लड्डू खाया है बूंदी वाला लड्डू, उसके अंदर कुछ येलो टाइप के दाने होते हैं, थोड़े बहुत ऑरेंज के दाने होते हैं, तो येलो और ऑरेंज आर डिफरेंट फेजेस। फेस मींस केमिकली होमोजेनियस, एक येलो वाला दाना लो एक ऑरेंज वाला दाना लो वो केमिकली कंपोजिशन उसका पूरा सेम होगा। माइक्रो स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट, मतलब ऑरेंज वाले और येलो वाले का माइक्रो स्ट्रक्चर रहेगा डिफरेंट। फिजिकली सेपरेबल, मतलब लड्डू को मुक्का मारो तो दोनों फेजेस को आप अलग कर पा रहे हो, दैट इज सेड टू बी समथिंग फेज, ओके इसको फेज बोलते हैं। तो गाइस बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत डिटेल में देखने वाले ग्रेन क्या होती है, ग्रेन बाउंड्री क्या होती है और ग्रेन ओरिएंटेशन क्या होती है। चलो एक आईडी के लिए तो थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं, जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ मोल्टन मेटल ऐसे हैं, लेट अस से वी आर हैविंग द मोल्टन मेटल लाइक दिस, ऐसे कास्टिंग होने वाली है, आपको पता है कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है, तो जब सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है वॉल्स से तो यहाँ वॉल्स से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकलते हैं। अब कुछ लोगों को नहीं क्लियर होता सर सॉलिडिफिकेशन फ्रंट क्या होते हैं, तो माय डियर सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मतलब सॉलिडिफिकेशन का शुरू होना। आपने कभी बर्फ जमाई होगी, कई बार ऐसा होता है पानी के ट्रे रखते हो फ्रिज के अंदर तो बर्फ को जमाना रखते हो, जब जमाना रखते हो आप कई बार ऐसा तो लाइट चली जाती है पूरी बर्फ जम नहीं पाती और आपको बीच में उसको यूज करना पड़ जाता है, तो आप लेते हो आप देखते हो कि साइडों से बर्फ जमी है बीच में पानी होता है, तो गाइस बिकॉज साइडों से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकले हैं वो सेंटर तक पहुंच नहीं पाए इसलिए बीच में पानी रह गया। तो गाइस वही चीज हो रही है सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकले, तो ये जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकले उसमें होता ही है। अब देखो मैं पहले बता रहा हूँ हिंट दे रहा हूँ अभी आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद तो ये आ जाएगा क्योंकि इसमें क्रिस्टल का यूज हो रहा है। तो गाइस आप थोड़ा बहुत अगर आइडिया आपका यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल ऐसे बननी शुरू होगी, सॉलिडिफिकेशन ऐसे शुरू होगा, तो दिस इज द ग्रेन ओरिएंटेशन, और इस ओरिएंटेशन में जो क्रिस्टल बनते जा रहे हैं ये एक तरह का बेसिकली एक तरह के क्रिस्टल को रखने वाली चीज को ग्रेन बोलते हैं। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट या ग्रेन है ये जो चीज है सॉलिडिफिकेशन फ्रंट यही एक ग्रेन है, और जहां पे दो ग्रेन मिल जाए उसको ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल का सॉलिडिफिकेशन ऐसे शुरू हो रहा है, इसका ग्रेन ओरिएंटेशन ये है, यहाँ ग्रेन ओरिएंटेशन ये है, यहाँ ग्रेन ओरिएंटेशन ये है और यहाँ ग्रेन ओरिएंटेशन ये है, तो सारे के सारे ग्रेन मूव करते 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 जहां मिलेंगे तो आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा सॉलिडिफिकेशन के बाद, कुछ इस तरीके की चीजें दिखेगी। तो इसको बोलते हैं ग्रेन 1, ग्रेन 2, ग्रेन 3, ग्रेन 4 और ग्रेन 5, और जहां ग्रेन मिल जाए वो ग्रेन बाउंड्री।
grain boundary. So guys, grain is nothing but a randomly growing oriented, randomly growing solidification front is a dendrite. Dendrite या फिर आप इसको बोल सकते हो grain. जहाँ दो grain मिल जाए वहाँ grain boundary. तो guys ये अगर आपको आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको भूल जाओ क्योंकि इसका discussion अभी शुरू होगा अगले chapter में. या तो मैं उनको hint दे रहा हूँ जो already जानते हैं, उनको ये बताने के लिए कि हाँ वैसे ही discussion होगा जैसा हमने casting में देखा था. ओके तो नहीं जानते वो इस चीज को अभी इग्नोर करें और डिटेल में देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेन्स कब ज्यादा ग्रेन बनेंगे, कब कम ग्रेन बनेंगे, कब फाइन ग्रेन बनेगा, कब कोर्स ग्रेन बनेगा. माय डियर यू आर गोइंग टू बी इन लव विद दिस सब्जेक्ट, दिस इज अ वंडरफुल लवली सब्जेक्ट. हर एक चीज प्रूव करेंगे यहाँ पर माय डियर. तो जितना थ्योरेटिकल आप इस सब्जेक्ट को समझते हो उतना है नहीं, जितना लॉजिकल आप इसको समझते हो उतना है नहीं. इट इज अ वेरी मच लॉजिकल सब्जेक्ट. बट यस, एक छोटी सी आदत खराब है सब्जेक्ट की, वो है केमिस्ट्री वाली, की एक्सेप्शंस मिलेंगे कुछ जगह. तो एक्सेप्शंस को तो मैं बताऊंगा ही ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं. बट केमिस्ट्री की तरह नहीं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पूछे जाते थे या एक्सेप्शन नहीं पूछे जाते हैं. यहाँ पे रूल के हिसाब से चीजें पूछी जाती है कि कॉमन क्या है, जनरल क्या है. तो गाइस हमने डिस्कशन किया मैक्रो स्ट्रक्चर का, ये आपको डक्टिलिटी और पार्टीशन जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है. हमने डिस्कशन किया माइक्रो स्ट्रक्चर का, अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ से मैं आपको पूरा कंटेंट बताऊंगा कि सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. चलिए भाई डियर बढ़ते हैं आगे. चलिए गाइस अब हम थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो गाइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. मैंने कहा मैक्रो स्ट्रक्चर वो है जिनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं अंडर मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ लेस देन 100 टाइम्स. फिर मैंने कहा माइक्रोस्ट्रक्चर वो है जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो विद अ मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ मोर देन 100 टाइम्स. एंड माय डियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो माय डियर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट इवन सी दैट माय डियर, ना तो नेक्ड आई से और ना ही माइक्रोस्कोप से. बट गाइस फिर आप बोलेंगे सर फिर ये बीसीजी एफसीजी जो बताते हैं वो कहां से बताते हैं. माय डियर हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो गाइस आई विल से दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड और कैन बी डिटरमिन किए जा सकते हैं. दीस कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट्स. सो गाइस ये सारे स्ट्रक्चर में सबसे छोटे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर द स्मॉलेस्ट वन, इसलिए देख ही नहीं सकते. सबसे वो लेवल सबसे छोटा होता है, इसको हम देख नहीं सकते. पर हम माय डियर इसको एक्सरे डिफ्रेक्शन से डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर इट इज बीसीसी, वेदर इट इज एफसीसी, व्हाटएवर इट इज. और गाइस अब इसके अंदर हम एंट्री करने जा रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जिक्र हो चुका है. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से कंटेंट हम यहाँ पढ़ने वाले, फिर यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है. गाइस इसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज जस्ट अ सैंपल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी, बट हम ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, हम फेस डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, हम इतना क्रिस्टल क्लियर मैनर में चीजों को देखेंगे कि यू विल बी लव विद द सब्जेक्ट. सो गाइस अब अगर हम बात कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर भी डिस्कस हियर इज, फर्स्ट इज गोइंग टू बी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट इज फॉर श्योर. ये सबसे पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद जो सेकंड टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे माय डियर, जो हम सेकंड टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे वो होगा क्रिस्टल इंपरफेक्शंस या क्रिस्टल डिफेक्ट्स. तीसरा जो हम पढ़ेंगे माय डियर वो होगा स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स. फोर्थ इज गोइंग टू बी गाइस फेस डायग्राम. फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी गाइस हीट ट्रीटमेंट. सही बोलूं तो गेट का सिलेबस तो यहां खत्म हो जाता है. इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल सिरामिक, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स है ना, और कुछ इफेक्ट्स ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स सेपरेटली. और इसके अलावा एक हेडिंग है मिसलेनियस, जहां पे कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जो भले ही सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए चाहिए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स. सो दिस इज सम बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू
दिस सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर, है ना। अब अगर माय डियर हम यहां पे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं माय डियर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं यहां से। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले मटेरियल्स को बोला जाता है क्रिस्टलाइन, और दूसरे मटेरियल्स को कहा जाता है एमोरफस। सुनते हैं कुछ लोगों को याद आता है, हाँ सर क्रिस्टलाइन मतलब मेटल, हाँ सर एमोरफस मतलब ग्लास। सुन लीजिए क्या होता है। गाइस क्रिस्टलाइन मींस द मटेरियल्स व्हिच आर शोइंग 3D लॉन्ग रेंज periodicity of atoms, molecules and ions. 3D long range periodicity of atoms, molecules or ions. My dear, if it is of atoms, yes it is metal, it is said to be atomic solid. If it is of molecules, they are basically molecular solids, they are polymers. If it is of ions, ionic solid, ceramics. Okay guys, so these things comes under the category of crystalline materials, my dear. Next is amorphous, which do not have, which do not have what? 3D long range periodicity. My dear, 3D मतलब तीन dimension में, long range मतलब दूर दूर तक, periodicity मतलब repetition of atoms, molecules or ions is known as crystalline material. For example guys, हम ऐसा समझें कि एक classroom है और उस classroom में लेकर से 100 chairs रखी है एक के पीछे, और गाइस हम 100 चेयर्स के ऊपर भी 100 चेयर्स रखे हैं, के ऊपर एक हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि 2 फ्लोर क्लासरूम है वो। एंड गाइस जब मैं उसको देख रहा हूं तो 2 या 3 3 फ्लोर मान लो, तो हर फ्लोर पे 100 चेयर ऐसे रखे, 100 चेयर इस फ्लोर पे, 100 इस पे, 100 इस पे, इस तरीके से तीन लेयर बनी हुई है। और गाइस 300 चेयर होगी और हर चेयर पे एक-एक स्टूडेंट बैठा है। और गाइस काम की बात, खास की बात ये है कि सभी स्टूडेंट का शेप, साइज, शक्ल सब एक जैसा है। तो गाइस जब मैं यहां से खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे 300 स्टूडेंट ऐसे दिखेंगे तीन डायमेंशन में, दूर दूर तक। तीन डायमेंशन बोलते हैं, ये वाला और ये वाला, दूर दूर तक 100 स्टूडेंट मिले, दूर दूर तक ही रहेंगे, चश्मा लगाता हूं मैं। पीरियोडिसिटी रिपीटेशन, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे दिख रहे हैं, ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा इस तरह, तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, और जब ये नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं एमोरफस, क्योंकि असली में ऐसा भी हो सकता है कुछ चेयर खाली हो, रियल कंडीशन में होता स्टूडेंट ही नहीं चेयर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट इतने ज्यादा एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़े जिसके कारण वो दूर दूर तक जैसा दिखे ही ना, और स्टूडेंट की शक्लें, सूरत, साइज, शेप सब अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए माइडियर असली में तो चीजें भी कैसे दिख सकती है वो तो। अब जब मैं क्रिस्टलाइन और एमोरफस बोलता हूं, लोगों को फिक्स होता है कि मेटल्स आर क्रिस्टलाइन, ग्लास इज एमोरफस, क्वार्ट्ज इज एमोरफस। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मटेरियल क्रिस्टलाइन और एमोरफस दोनों फेजेस के अंदर लाई कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके कूलिंग रेट के ऊपर। अब बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, माइडियर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, हम जानना चाहते हैं। एक एग्जांपल दूंगा माय डियर, मान लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में है और आप सभी लोग पढ़ने आ रहे हो मेरे साथ, और आप लेटर से जो भी क्लासरूम है आपका 80-100 है मान लो पढ़ रहे हैं, तो आप इतने स्टूडेंट जब भी क्लासरूम में आ रहे हैं ऑफलाइन में, तो माय डियर एक ऑफलाइन क्लास सेंटर मान लेते हैं कि हमने एक हफ्ते की ऑफलाइन क्लास अरेंज करी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। और जब वो ऑफलाइन क्लास हम अरेंज करते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है एक प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी एक हफ्ते की, तो आपने कहा कि ठीक है सर, अब आपने ऑनलाइन पढ़ा हुआ था आपको लगा था सर पढ़ाते हैं तो ठीक है चलते हैं ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं सर से थोड़ा। आप जैसे मुझसे मिलते हैं आपको बोलता हूँ बेटा हो सकता है ऑनलाइन में आपको लगता हो कि धीरे से बहुत अच्छे रहे चलो, पर गाइस मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैंने ऐसा बोला हूँ नहीं डोंट वरी। तो मैंने कहा कि मेरा एक रूल है ऑफलाइन क्लासेस का, आपने कहा सर बिल्कुल बताइए। मेरे का रूल ये है कि जब मैं क्लास में घुस जाता हूँ तो मुझे कोई भी बंदा क्लास में खड़ा हुआ पसंद नहीं है, जो क्लास में खड़ा हो जाता है मैं फिर छड़ी हाथ में रखता हूँ और उसको सजा मिलती है। तो आपने कहा अच्छा मतलब जब आप क्लास में एंट्री करें तो खड़े नहीं होना, बिल्कुल जब मैं क्लास में एंट्री करूँ और जब तक एग्जिट ना करूँ तब तक कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ा हो मुझे पसंद नहीं, ये मेरे क्लास का रूल है और मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो आपने कहा सर नहीं खड़े हो गए तो मैंने कहा छड़ी हाथ में दो लगेंगी सीधी सी बात,
तो आपने कहा सर ये तो गलत बात है, फिर हम अटेंड ही नहीं करेंगे ऐसी क्लासेस। तो मैंने कहा सजा ये भी है, अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे आप तो गाइस माय डियर आपके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा क्लास लगी आपने अटेंड नहीं किया, आप बोलोगे इधर कुआं उधर खाई तो कर ही लेते हैं अटेंड। और गाइस आपने कहा सर बट आप तो कभी भी आके ऐसा कर सकते हो, तो मैंने कहा नहीं मैं रूल का उसूल का बहुत पक्का हूँ, क्लास का टाइम 10 बजे तो 10 से पहले नहीं आऊंगा, क्लास का टाइम 5 बजे तो 5 के बाद ये रूल वैलिड नहीं है। तो आपने कहा सर बस फिर कोई दिक्कत नहीं है कर लेते हैं शुरू। तो माय डियर उन्होंने शुरू करने की कोशिश करी, तो आपने क्या किया आपने भी सोचा कि चलो सर बहुत स्मार्ट बन रहे हैं हम भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं। आपने एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगा दी, वो गेट के बाहर खड़ा रहता था और जैसे ही देखता था मैं आ रहा हूँ वो सभी को इन्फॉर्म कर देता था, तो सभी लोग हियर एंड देयर घूम रहे होते थे तो वो एकदम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते थे। तो मैं जब भी क्लास में आता तो मुझे हमेशा 3D लॉन्ग रेंज और पीरियोडिसिटी ही मिलती थी, क्योंकि मुझे हमेशा स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठे हुए दिखते थे, है ना। तो माय डियर अब मुझे 2 दिन हुए 3 दिन हुए 7 दिन तो क्लास ही थी, तो मुझे थोड़ी हाथ में खुजली होने लगी कि बहुत दिन हो गए मेरी कुटाई उठाई की नहीं किसी की, छड़ी लेके आता और वो यूज हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है स्मार्टनेस का जवाब देना पड़ेगा, तो मैं एक प्लान करता हूँ। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, मैंने कहा कि काम करता हूँ मैं क्लास के 5 बजे के बाद यहीं रुक जाता हूँ, आपको बताए बिना आप चले गए घर चले गए, और मैंने कहा इस बार सरप्राइज देंगे आपको। वहाँ पे एक पोडियम रखा था, मैं पोडियम के नीचे छुप गया। अगले दिन सुबह आप क्लासरूम में आते हो 10 बजे, क्योंकि 10 से पहले मैं बाहर आ नहीं सकता, मैं छुपा हूँ वहीं पे, बाहर कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है कि कब सर आएंगे और कब हम जैसे ही आएंगे तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सभी को। अब गए जैसे ही 10 बजती है, इस बार मैं तो पहले से क्लास में मौजूद हूँ, तुम लोग अभी रेंडम घूम रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी संदेश आया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, तो आप अपना एंजॉय करो, रेंडमली खड़े हुए हो बात कर रहे हो दूसरे से, ग्रुप में खड़े हुए हो, 10-12 लोग एक साथ है, 20 लोग एक साथ है, खड़े हुए हो आप मजे से। गाइस एकदम से मैं सरप्राइज देता हूँ 10:10 पर मैं पोडियम से बाहर निकलता हूँ छड़ी के साथ। जैसे ही आप मुझे देखोगे छड़ी के साथ आपको रूल याद आएगा कि भाई खड़े नहीं रहना है और कुछ भी हो जाए खड़े नहीं रहना है। तो गाइस आप जहां भी होगे वहीं की वहीं आप बैठने की कोशिश करोगे, क्योंकि रूल ये है कि खड़े मत मिलना। और जब ऐसा कोशिश करोगे तो एक जगह पे आप 12 से 15 लोग खड़े थे, दूसरी जगह पे कोई था ही नहीं, तो गाइस हो सकता है 4 कुर्सियों पे आप 12-13 लोग बैठ जाओ तो वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, और एक रीजन ऐसा हो बिल्कुल खाली वहां पर स्टूडेंट है ही नहीं, तो गाइस जब ऐसा होगा तो कहीं डेंसिटी बहुत ज्यादा कहीं डेंसिटी बहुत कम, मतलब इट विल सीम्स लाइक टू बी अ लिक्विड, जैसे लिक्विड होता है वैसा कुछ फील होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कम कहीं ज्यादा, एंड माय डियर विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक अमॉर्फस। तो क्या समझे गाइस, समझिए कि जब तक मैं दूर से आता था आपको संदेशा मिलता था, मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचता था, उतने समय में आप सेटल डाउन हो जाते थे, आपको सेटल डाउन होने का टाइम मिल जाता था। इस केस में दूसरे केस में जब मैं क्लासरूम के अंदर था आपको सेटल होने का टाइम नहीं मिला, तो आप जहां थे वहीं की वहीं सॉलिडिफाई हो गए, वहीं की वहीं बैठ गए, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर था वो 3D लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी नहीं हो पाया। बिल्कुल वही बात है माय डियर, आप 1545 या 1539 डिग्री सेल्सियस पे एक मेटल को गर्म करते हो, उसको फर्नेस में रख दो, आप 3 दिन में उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओ, आप उसको इतना समय दे रहे हो माय डियर, उसको पूरा समय मिलेगा अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉलिडिफाई करने का, तो स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टलाइन जैसा मिलेगा। पर सोचो 1540 डिग्री पे मोल्टन मेटल आया, उसको सीधा ले जाके आपने फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर इज -5 to -10 डिग्री सेल्सियस। गाइस एकदम से सॉलिडिफिकेशन होगा, मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तो एटम्स को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को अच्छे से अरेंज कर पाए, टाइम कम मिलने की वजह से यू विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर टू बी अमॉर्फस। अब चाहे वो मेटल का ही क्यों ना हो, मेटालिक ग्लास इसीलिए तो मशहूर है माय डियर, मेटालिक बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेटल, ग्लास बिकॉज दे आर ब्रिटल एंड अमॉर्फस, यस। तो गाइस मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कोई भी मटेरियल क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों फेजेस में रह सकता है, बात सिर्फ इतनी सी है वो दोनों में रह सकता है, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है वो अमॉर्फस भी हो सकता है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सॉलिडिफिकेशन रेट आपने कैसे दिए। अगर आप सॉलिडिफिकेशन रेट जो दे रहे हो, अगर वो सॉलिडिफिकेशन रेट माय डियर बहुत स्लो है आपको क्रिस्टलाइन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर वो बहुत फास्ट है आपको अमॉर्फस जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। बट गाइस हमारी एप्लीकेशन में मेजॉरिटी काम जो है वो मेटल से चलता है और मेटल्स क्रिस्टलाइन होती है इन जनरल, नियर टू क्रिस्टलाइन होती है। तो गाइस इसकी अमॉर्फस को हम यहीं से साइडलाइन करेंगे और हमारा पूरा का पूरा फोकस क्रिस्टलाइन मटीरियल की तरफ हो जाता है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन मटीरियल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बताता है, चलिए देखते हैं। ओके गाइस चलिए देखते हैं आगे। मटीरियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर बेसिकली 2 चीजें होती है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 2 things गाइस, उसमें सबसे पहली चीज को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम, एंड माय डियर दूसरी चीज को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। सो गाइस क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस, अब जनरली स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है ब्रेविस लैटिस,
एक चीज उन्होंने रटी हुई होती है कि दुनिया के जितने भी मटेरियल है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लेटिस में कंप्लीट हो जाते हैं। दे डोंट नो क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, दे डोंट नो ब्रेविस लेटिस क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता क्रिस्टल सिस्टम क्या बताएगा, ब्रेविस लेटिस क्या बताएगा, कोई नहीं जानता। तो गाइस आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देने वाला हूँ। माय डियर, जैसे मान लेते हैं आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो, तो उस घर में 4 कमरे हैं और आप 6 लोग रहते हो, 4 कमरों में 6 लोग। सो गाइस, अगर मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि आपके घर में 4 कमरे कैसे हैं, किस तरीके से ओरिएंटेड है, किस साइज शेप के हैं, आप एक दूसरे से रूम्स का क्या ओरिएंटेशन है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट माय डियर, दिस थिंग इज नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 लोग उन 4 कमरों में कैसे, वो 6 लोग उन 4 कमरों में किस तरीके से रहते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स इन द रूम्स क्या है, दैट गिव्स अस ब्रेविस लेटिस। एटम की सेंस में बोलूं माय डियर, तो क्रिस्टल सिस्टम बताता है कि क्रिस्टल का शेप और साइज क्या है, ब्रेविस लेटिस बताता है कि उस बने हुए क्रिस्टल में एटॉमिक का एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। दिस इज गिवन बाय माय डियर द ब्रेविस लेटिस। तो कहने का मतलब ये क्रिस्टल सिस्टम विल गिव अस द शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विल गिव अस द शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल। एंड गाइस, ब्रेविस लेटिस विल टेल यू अबाउट व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो ये यहां पे बताता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। ओके, जैसे मैंने कहा एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंपल जो आप बनाते हो क्यूबिक वाली यूनिट सेल, तो आप इस तरीके से बनाते हो क्यूब लाइक दिस, आपको याद है एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम नहीं दे सकते एक्स वाई जेड। सो गाइस, राइटर थंब रूल फॉलो करता है, मैं बता चुका हूं एक्स वाई जेड, आप ऐसे एक्स वाई और जेड जब दे रहे हो तो एक्स की तरफ फिंगर रख के वाई की तरफ घुमाओगे तो जेड विल बी गिवन बाय द थंब। सो गाइस, थंब विल गिव यू द जेड डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं बेसिकली द करेक्ट सीक्वेंस एक्स वाई जेड, आप कुछ भी नहीं सकते, राइटर थंब रूल को फॉलो करता है। सो गाइस, ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सिस्टम, यहां पे एक्स वाई जेड को बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और इन एक्सिस के बीच में जो एंगल है माय डियर, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा नोन एज इंटरएक्सियल एंगल्स। एंड गाइस, ए B and C are known as lattice parameter। और आप देख सकते हो ये तीनों चीजें जो मैंने बनाई है कहीं ना कहीं इसके शेप और साइज से रिलेटेड है, एंगल शेप डिसाइड करेंगे और पैरामीटर साइज को। तो गाइस, क्रिस्टल सिस्टम विल टेल यू द शेप ओके और साइज। एंड व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। गाइस, अगर सारे कॉर्नर्स पर एटम है तो हम इसको बोल देते हैं इट इज सेड टू बी सिंपल। अगर सारे कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी सेंटर में एटम है तो इसको बोल देते हैं इट इज बॉडी सेंटर्ड। मगर अगर कॉर्नर एटम्स के साथ साथ फेस सेंटर में एटम है, एवरी फेस सेंटर इज हैविंग एन एटम, तो इसी को बोल देते हैं फेस सेंटर्ड। गाइस, अगर कॉर्नर्स के साथ साथ अपोजिट फेसेस पे एटम्स हैं, अपोजिट फेसेस पे कौन से, सिर्फ जो अपोजिट एंड्स हैं, तो गाइस दिस इज सेड टू बी द एंड सेंटर्ड। ओके, सिर्फ दो अपोजिट फेस पे हो तो एंड सेंटर्ड। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा है सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक, हमने क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक एंड एंड सेंटर क्यूबिक। सो गाइस, आपने जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक, दिस इज अबाउट क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। और जो सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर और फेस सेंटर्ड है, दिस इज फॉर ब्रेविस लेटिस। क्योंकि गाइस, क्यूबिक रिलेटेड टू क्रिस्टल सिस्टम, जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है,
और a बराबर b बराबर c है, तो माय डियर दिस स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी द क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर इसके आठों कॉर्नर पे आइटम है तो सिंपल क्यूबिक, आठ कॉर्नर बॉडी सेंटर तो बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, एंड सेंटर क्यूबिक। अब गाइस इन सब में से मैं आपको बता दूं, एंड सेंटर जनरली डॉक्टर्स की एप्लीकेशन में यूज होता है, हमारी एप्लीकेशन में यूज नहीं होता, मेडिकल में यूज होता है, इसलिए हमने तीन ही सुने होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। डोंट वरी, इनके फिगर्स मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि सिंपल क्यूबिक आइटम्स क्या होते हैं, बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, फेस सेंटर को, और एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार समझे कि क्रिस्टल सिस्टम क्या बताता है, कि ओरिएंटेशन ऑफ द यूनिट सेल आप समझ सकते हो क्या है, यूनिट सेल किस तरह से ओरिएंटेड है, इसका शेप क्या है, साइज क्या है, और यूनिट सेल के अंदर एटम्स किस तरीके से रहेंगे वो ब्रेविस स्टेटिस बताता है। और दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सात क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस स्टेटिस में कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ लोगों के माइंड में डाउट आता है, सर ये एटम्स और मॉलिक्यूल सात क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस स्टेटिस में क्यों सेट होते हैं, एक ही सिस्टम और एक ही लैटिस में क्यों नहीं। गाइस इट इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। This is just the starting. So by this, I feel you can have a feel of how we are going to discuss this subject. A wonderful subject, my dear. बहुत कुछ नया सीखोगे आप. और ये मेरा promise है आपसे कि अगर आपने पूरा ढंग से attend कर लिया, you will be in love with material science. And guys, बिना material science के आपकी production, आपकी mechanical engineering अधूरी है. तो उसको पूरा जरूर करें. Rest it's on you. चलिए guys, बहुत जल्दी मिलते हैं. देखते हैं.